दोस्तों वैसे तो हर मैन एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सभी मैन में एक जैसे कॉमन पाए जाते हैं, जैसे बॉल्डनेस यानी गंजेपन की परेशानी, जिसको 95% मेल अपनी जिंदगी में फेस करते ही हैं। और सभी मेल्स के गले में ये नुकीली सी चीज आखिर असल में होती क्या है? और तो और, क्या आपको पता है मैन फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी मसल गेन कर लेते हैं? तो मैन के बारे में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। Men have bigger brain size. Human body के साइज के मामले में men women से ज्यादातर केसेस में बड़े होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि men के inner organs भी women के inner organs से बड़े होते हैं, जैसे कि brain। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। Men के brain का साइज women के brain के साइज से बड़ा होता है। 2014 में की गई एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर आदमियों के brain का साइज female से लगभग 8-15% तक बड़ा होता है। इसके अलावा स्टडी में जब फीमेल और मेल के brain के अलग अलग parts को स्टडी किया गया कि men के brain में memory और space को समझने वाला रीजन ज्यादा बड़ा होता है और विमेन के ब्रेन में इमोशंस और लैंग्वेज को समझने वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, इस स्टडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया गया कि ब्रेन का साइज इंटेलिजेंस को भी प्रूव करता है। इंटेलिजेंस हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होती है। मैन ग्रो ओल्ड वेरी स्लोली। अगर आप सेम एज के मेल और फीमेल को देखेंगे तो आपको फीमेल मेल के कंपैरिजन में ज्यादा ओल्ड दिखेंगी। आप इन दो तस्वीरों को देखिए, आपको इनमें से कौन ज्यादा ओल्ड लग रहा है? आपका जवाब डेफिनेटली फीमेल होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों ही हॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं। निकोल किडमैन असल में 54 इयर्स की हैं और टॉम क्रूज असल में 59 इयर्स के हैं। आपको इनका एज गैप सुनकर जरूर हैरानी हुई होगी, क्योंकि तस्वीरों में टॉम निकोल से ज्यादा यंग लग रहे हैं। दोस्तों, मैन और वुमेन के बीच इस एज डिफरेंस वाले लुक की वजह टेस्टोस्टेरोन और कोलेजन होता है। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जिसे बॉडी प्रोड्यूस करती है। कोलेजन स्किन की स्ट्रेचिनेस और इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी इनफ कोलेजन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिस वजह से स्किन ओल्ड दिखना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, इसीलिए मैन की बॉडी का कोलेजन जल्दी खत्म नहीं होता है। आप ये मान सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मैन जल्दी ओल्ड नहीं दिखते हैं। द बॉल्डिंग प्रॉब्लम। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, लेकिन एक्सेसिव गंजापन ज्यादातर सिर्फ मेल्स में ही देखा जाता है। असल में दोस्तों, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद 95% मेल्स के बाल गिरने लग जाते हैं, जबकि अगर आप गौर करेंगे तो रोज विमेन का हेयर लॉस सबसे ज्यादा होता है, जिसके बावजूद भी वो बिल्कुल गंजी नहीं दिखती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल अपनी बॉडी और बालों की केयर सबसे ज्यादा करती है, जिस वजह से उनके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अच्छी मील्स और मेडिकल कंडीशन का भी आपके बालों की हेल्थ पर असर पड़ता है। मेल्स अपनी बॉडी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बालों की केयर नहीं करते हैं, और जब बाल गिरने लगते हैं तो वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे अल्टीमेटली और ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। Men have different perception towards color. अगर कलर को पहचानने की बात करें तो गर्ल्स बॉयज के मुकाबले में हर कलर को पहचान लेती हैं और उनके बीच डिफरेंशिएट भी अच्छे से कर पाती हैं। कलर परसेप्शन को समझने के लिए ब्रुकलिन कॉलेज में एक स्टडी की गई थी, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप को अलग अलग कलर्स पहचानने के लिए कहा गया था। इस स्टडी का रिजल्ट देखकर प्रोफेसर्स भी हैरान हो गए थे, क्योंकि बॉयज का ग्रुप बहुत ही कम कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाया था, जबकि लड़कियों के ग्रुप ने हर कलर के अलग अलग शेड और उनके बीच के माइनर डिफरेंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया था। असल में दोस्तों, कलर को आइडेंटिफाई करना आंखों के रेटिनल क्लोन सेल्स पर निर्भर करता है, जो आंखों को कलर विजन प्रोवाइड करते हैं। और सच तो यह है कि विमेन के अंदर मैन से 2 गुना ज्यादा रेटिनल क्लोन सेल्स होते हैं। यही वजह है कि लड़कों को पिंक के सभी शेड्स एक जैसे लगते हैं और लड़कियां उनके बीच का फर्क पहचान लेती हैं। मैन गेट अग्रेसिव इन स्ट्रेस। दोस्तों, आदमियों को हमेशा से बहुत ही अग्रेसिव कहा जाता है और फीमेल्स को बहुत ही काइंड और काम माना जाता है, जबकि बचपन में तो लड़के और लड़कियां दोनों ही बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बड़े होने के बाद ही लड़के इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? दरअसल दोस्तों, आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से ऐसा होता है। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमंस के अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, जो असल में इंसान के अंदर कॉम्पिटिशन, डोमिनेंस, फिजिकल वायलेंस और अग्रेसिवनेस को जन्म देता है। जैसे छोटे बच्चे परेशानी में रोने लगते हैं, ठीक वैसे ही बड़े लड़के या मैन स्ट्रेस में गुस्से में आ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल इंसान को अग्रेसिव बना देता है, जो अल्टीमेटली मैन और बाकी के लोगों के लिए हानिकारक है। मैन ईट मोर टू इम्प्रेस विमेन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेल असल में फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं? जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन निफिन की एक स्टडी के मुताबिक, जब भी कोई मैन किसी फीमेल के साथ डेट पर जाता है तो वो फीमेल को इम्प्रेस और अट्रैक्ट करने के लिए 80-90% तक ज्यादा खाना खा लेता है। केविन ने अपनी स्टडी के लिए एक रेस्टोरेंट में आए सभी गेस्ट से खाना खाने के बाद उनकी भूख के बारे में पूछा, जिससे केविन को पता चला
होगा कि जो लोग फीमेल फ्रेंड्स के साथ आए थे उन्होंने अपने आप को भूखा ही बताया और दोबारा खाने के लिए तैयार भी हो गए। रेस्टोरेंट में फीमेल फ्रेंड्स के साथ आने वाले सभी मेल्स ने बाकियों के कंपैरिजन में 90% ज्यादा खाना खाया था। वैसे दोस्तों, साइकोलॉजिकली खाना हमेशा पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मैन को लगता है कि इससे फीमेल्स इम्प्रेस हो जाएंगी। डिफरेंट साइज ऑफ द फिंगर्स। दोस्तों, जिसका जैसा बॉडी साइज होता है वैसा ही उनके फिंगर्स का साइज भी होता है, लेकिन मेल और फीमेल की फिंगर्स का साइज एक दूसरे से बहुत अलग होता है। जैसे फीमेल्स के हाथ की इंडेक्स और रिंग फिंगर्स का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है और मेल्स के हाथ की रिंग फिंगर हमेशा इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है। फिंगर साइज अलग होने से किसी की भी पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, ये ट्रेट मेल और फीमेल के बीच के डिफरेंस का एक बड़ा सबूत है। आप चाहे तो अपनी इंडेक्स और रिंग फिंगर्स के साइज को अभी चेक कर सकते हैं और अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्पस ऑफ एडम्स एप्पल। आपने लड़कों के गले में ये नुकीली सी चीज तो देखी होगी, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्यों होता है और ये सिर्फ लड़कों के गले पर ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, इस नुकीली सी चीज को एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल गले में मौजूद वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रो होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर में बहुत से फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज एडम्स एप्पल का ग्रो होना होता है। जैसे जैसे एडम्स एप्पल बड़ा होता है लड़कों की आवाज भी भारी होने लगती है। दोस्तों, एडम्स एप्पल मेल और फीमेल दोनों के गले में होता है, बस फीमेल्स का ज्यादा नजर नहीं आता क्योंकि लड़कियों की आवाज बहुत पतली होती है, इसीलिए उनका एडम्स एप्पल भी छोटा होता है। लार्जर बॉडी पार्ट्स। दोस्तों, मैन का फिजिकल स्ट्रक्चर देखने में विमेन से काफी बड़ा होता है। जैसे आदमियों के हाथ, आईब्राउज, चीक्स, जॉ बोन्स और टीथ फीमेल से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन का बॉडी स्ट्रक्चर नेचुरली ही ऐसा होता है। बल्कि फ्रंटियर ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक मैन के जो भी बॉडी पार्ट्स विमेन के मुकाबले में बड़े होते हैं और मैन की बॉडी में हाईलाइटेड होते हैं, वो सभी विमेन को इम्प्रेस करते हैं और विमेन इनसे मैन की तरफ अट्रैक्ट भी होती हैं। यही वजह है कि सभी मेल्स विमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा फिट दिखने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट मसल ग्रोथ रेशियो। दोस्तों, इंडिया में ऑन एन एवरेज बहुत ही कम फीमेल्स की अच्छी और हेल्दी बॉडी देखने को मिलती है, जबकि ज्यादातर मेल्स की बॉडी काफी अच्छी होती है। जबकि अगर हम मेल और फीमेल के फिजिकल एफर्ट्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर सिर्फ मैन की ही बॉडी अच्छी क्यों होती है? दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह मैन का नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दूसरी वजह मेल के अंदर मौजूद टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल होता है। फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही माइनर लेवल पे होता है, जबकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन 20 गुना ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से मेल्स की बॉडी में मसल मास बहुत तेजी से ग्रो होता है। और तो और, क्या आप जानते हैं कि एक मेल ह्यूमन की बॉडी में फीमेल ह्यूमन बॉडी के मुकाबले में 50% ज्यादा मसल मास होता है? जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के 1985 की रिसर्च के एडिशन के मुताबिक मेल्स का मसल मास फीमेल्स से ज्यादा होता है। ये मास डिफरेंस ह्यूमन बॉडी के अपर हिस्से में ज्यादा दिखाई देता है, जैसे हैंड्स, चेस्ट और फेस स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।